Hey you lovelies, welcome to my another vlog and I'm super excited because this is the first time I'm presenting in front of you guys my first ever makeup tutorial which is my go-to look jo ki aap log parties mein bhi use kar sakte hain, aap log dinners and lunches mein bhi use kar sakte hain and aap log apply kar sakte hain as your go-to look. Enjoy watching. दो मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ और मुझे बहुत अच्छा कोई मेकअप करना नहीं आता है, बट जो मैं अपने साथ अप्लाई करती हूँ और जो मैं एवरीडे मेकअप यूज़ करती हूँ वो कितना ही आसान होता है और वो कितना ही क्विक एंड ईजी होता है और वो कितना कंफर्टेबल होता है एवरीडे लुक के लिए, जो कि आप पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको हाईलाइट करके, थोड़ा सा उसको यू नो डार्क टोन में ला के, और आपको उस मेकअप से यू नो डिसकम्फर्ट ना हो और नेचुरल लुक दे, जो आपको नेचुरल ड्यूई और फ्रेश लुक दे. डेली लाइफ में बहुत ही कम मेकअप यूज़ करती हूँ, लाइक बहुत ही ग्लोई और बहुत ही ड्यूई टच और बहुत ही यू नो नेक्स्ट टू स्किन, जो कि बहुत कंफर्टेबल हो आपकी स्किन के साथ और आप उसमें बहुत लॉन्ग टाइम स्पेंड कर सकें. कहते हैं मेरे मेकअप गो टू लुक के साथ जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ईद में भी इनफैक्ट. सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड. फर्स्ट हम अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आप अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लें बहुत अच्छे तरीके से और फिर उसके बाद आप एक अच्छा सा प्राइमर यूज़ करें. मैं कभी प्राइमर यूज़ करती हूँ और कभी मैं सीरम्स यूज़ कर लेती हूँ, विच आई एम यूजिंग दिस डॉक्टर राशेल का सीरम. ये मैं अभी अप्लाई करने वाली हूँ. सो आजकल मेरा जो प्राइमर है वो यही है, तो ये बहुत ही मिनिमम लगता है आपकी स्किन पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और ये स्किन में बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है. इनफैक्ट अगर आपने ये लगा लिया है तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत, काफ़ी हाइड्रेटिंग है ये. और सेकेंड स्टेप है कि कोई भी आप लोग फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ आई एम यूजिंग द ड्रीम मैट मूस, ड्रीम मैट मूस, और इसका कलर शेड है 010. तो ये बहुत ही लाइट होता है फेस पे, ये बहुत ही अच्छा ग्लोई एक ड्यूई टच देता है आपके फेस को, एंड दिस इज़ परफेक्ट फॉर एवरीडे यूज़. सो आई एम गोना अप्लाई दिस अ वेरी लिटल, ये बहुत ही कम लगता है और ये सारे आपके स्कार्स भी छुपा देता है. अगर आपको पिंपल के निशान है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, दीज आर डेड पिम्पल्स, दीज आर लाइक नथिंग, गॉन केस. सो मैं अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करती हूँ, मैं ज़्यादा ब्लेंडर्स और ब्रशेस का इस्तेमाल नहीं करती, बिकॉज मुझे आई फाइंड इट रियली रियली ईजी कि आप अपनी फिंगर्स से जो ब्लेंडिंग होती है वो सबसे परफेक्ट होती है. देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया है विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स, और इसको इसका सबसे अच्छा वे ये है कि अगर आपको एवरीडे यूज़ के लिए चाहिए तो दिस इज़ परफेक्ट, लेकिन अगर आप लोगों को पार्टी वेयर के लिए चाहिए या ईद आने वाली है उसके लिए चाहिए या आपको डिनर्स के लिए चाहिए, तो आप इसी को ओवर अप्लाई कर सकते हैं वन और टू टाइम्स, तो फिर आपका एक हैवी लुक बन जाएगा. तो द थर्ड स्टेप जो कि मुझे बहुत पसंद है, मेरे पास डिफरेंट टिंट्स हैं फ्रॉम, दिस इज़ फ्रॉम अलीज़म ब्यूटी और ये इसका रूबी शेड है, एंड दिस इज़ फ्रॉम बेनी टिंट, ये इसका कोई रेडिश सा शेड है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पिंक शेड, दिस इज़ ऑल्सो लव टिंट, दिस इज़ अ बेनी टिंट उन्हीं का है. सो मैं आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ टिंट, बहुत लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसके दो तीन तरीके हैं, या तो आप इसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टेक्निक ये है कि आपको अपनी फिंगर से इसको मर्ज करना होगा या फिर आपके पास एक बफ ब्रश होना चाहिए जो कि आप इसको ब्लेंड कर सकें. देखिए बहुत क्विकली बहुत अच्छा ब्लेंड हो गया है, और इसका एक तरीका ये भी है कि आपने डायरेक्ट अप्लाई कर लिया या फिर आपने अपनी फिंगर पर लिया राइट और इसको इस तरीके से डैब 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 और अप्लाई किया. कितना कम लगाना है, कितना ज़्यादा लगाना है, विच इज़ अगेन अप टू यू कि आपको कितना पिंकी पिंकी सा लुक चाहिए क्योंकि अपने ऊपर है. सो इट्स आप लोग देख सकते हैं दिस इज़ वेरी ड्यूई एंड दिस इज़ वेरी टू मेक इट लुक मोर नेचुरल, तो आप लोग अपनी आईज़ पे भी थोड़ा सा लगा सकते हैं और इसको बहुत ही सटल वे में आप लोग ब्लेंड कर सकते हैं. कि ट्रिकी वे में करना है कि लगाते ही आपको अच्छे तरीके से अपनी फिंगर से ब्लेंड करना है कि इसके पैचेस ना रह जाए, क्योंकि ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करना है. लोग ये भी करते हैं कि नोज़ पे भी थोड़ा सा लगा लेते हैं, विच गिव्स यू नो नज़ला लुक. सो आज मैं आप लोग के लिए ट्राई आउट करने वाली हूँ. यूजुअली ये मैं विंटर्स में करती थी, विंटर्स में इट लुक सो गुड. ब्लश विच इज़ फ्रॉम लाते लाइफ, दिस इज़ द ब्लश एंड इट्स फ्रॉम लाते लाइफ, और इसका यही आई थिंक यही शेड होता है, 02 शेड है इसका, विच कम्स लाइक दिस. इसमें ये डार्क पिंक कलर है, इसमें एक लाइट पिंक कलर है और इसमें एक हाईलाइटर भी है. हाईलाइटर सीम्स लाइक, मैं आपको स्वच करके दिखाती हूँ, दिस इज़ सो फ्रीकिंग गुड एंड दिस इज़ लाइक दिस एंड दिस इज़ अ बेबी पिंक लुक. यूजली लोग टिंट्स के बाद आई डोंट थिंक ये ब्लश एंड पैलेट यूज़ कर रहे होते होंगे, बट मैं यूज़ करती हूँ, इट गिव्स अ वेरी ग्लोई टच बिकॉज ये थोड़ा सा हाईलाइट, सो ये हाईलाइटिंग हाईलाइट के साथ मिक्स हो गया. आप इसको मिक्स कर लें इस तरीके से एंड यू नो अप्लाई लाइक दिस अ लिटल बिट ओनली एंड यू विल सी द ग्लो.
दिस नेचुरल लुकिंग ग्लो जो कि बहुत नेचुरल लगता है एंड इट लुक्स सो गुड। सो आप हल्का सा इसको कर लें तो ये आपको और ग्लोई और ड्यूई फील देगा। आप नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ अप्लाई करने वाली हूँ ये है जे डॉट की नोट ब्लू ब्लू आई पेंसिल है। दिस इज लाइक डार्क उसका शेड डार्क ब्लू ये आई थिंक। सो आई जस्ट अप्लाई दिस बहुत थोड़ा सा आप इसको अप्लाई करें जस्ट लाइक दिस टू गिव इट अ लिटिल बिट डायमेंशन यू नो टू योर आई क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है यू नो इट गिव्स अ लिटिल डायमेंशन जो एक ब्लूइश शेड पे आपको आएगी। यही अपना एक गो टू लुक बना सकते हैं एंड यू कैन सी द शाइन यू कैन सी द ग्लो। सो अब मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ आई लाइनर विच इज़ अ लिक्विड मैट आई लाइनर। दिस इज़ फ्रॉम बोनेंजा और बोनेंजा से ये दिस इज़ आई बॉट इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड दिस इज़ इन जेट ब्लैक कलर यू कैन सी दिस। इसकी टिप कुछ यूँ दिखती है आई एम गोना शो यू के हाउ द टिप टिप एंड सी सी द डिफरेंस। नेक्स्ट आई दिस हैज़ बीन अप्लाइड परफेक्टली। आप इससे विंग आईलाइनर भी बना सकते हैं क्योंकि इसकी टिप इतनी प्रिसाइज है कि आप इससे आराम से कोई भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत ही ब्लेंडेड लगाया है सो दैट हम नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है फेस पाउडर टू सेट द फेस। दिस इज़ फ्रॉम नोट जे डॉट नोट और इसका मैं शेड इस्तेमाल कर रही हूँ 02 दैट्स माई शेड। सो अब हम इसको बहुत ही हल्का सा इस्तेमाल करेंगे बहुत ज़्यादा ये बहुत अच्छा है ये बहुत ही यू नो बहुत अच्छी इसकी कवरेज है ऑयल कंट्रोल करता है और इसको बहुत ही हल्का सा अप्लाई करना पड़ता है एंड इट गिव्स सो ग्लोई ग्लास। देन आई एम यूजिंग दिस लैश मस्कारा एंड दिस इज़ ल्यूमिनस लैश वॉल्यूम मस्कारा। दिस इज़ अ वेरी गुड मस्कारा इसका वूंड कुछ ऐसा दिखता है एंड दिस इज़ अ फ्रीकिंग गुड मस्कारा बहुत ही अच्छा मस्कारा है। मस्कारा आपकी आंखों को आईलाइनर और मस्कारा आपकी आंखों को बहुत अच्छी डेप्थ देता है और बहुत फ्रेश लुक देता है आप लोगों को। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं लिपस्टिक विच इज़ अ लिक्विड मैट लिपस्टिक इन द शेड कैंडी पिंक इसका शेड है। सो दिस हैज़ बीन अप्लाइड एंड दैट्स माई गो टू लुक एंड सो दैट्स द फिनिश लुक जो कि बहुत ड्यूई है बहुत ग्लोई है बहुत कंफर्टेबल है स्किन के ऊपर स्किन टोन से मैच्ड है बिल्कुल भी स्किन टोन से एक्सेस नहीं लग रहा है। और क्योंकि मैंने इसमें आई शेडो यूज़ नहीं किया तो मैंने इसमें टिंट यूज़ किया था और मैंने इसमें एक आई पेंसिल यूज़ की थी जो कि आपको आई शेड का एक इफेक्ट दे रही है। तो हमें ओवर यू नो मेकअप एक्सेसरीज लगाने की जरूरत नहीं है मेकअप बट इफ़ यू वॉन्ट टू कि ये डिनर है या कोई ईद है या कोई बहुत यू नो पार्टी है गैदरिंग है तो आप लोग अप्लाई करें। कंफर्टेबल लुक होता है बहुत ब्रीदेबल होता है आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती मेकअप लगा। इसको थोड़ा सा और हैवी कर सकते हैं अगर आपको पार्टी में जाना है अगर ईद है ईद के लिहाज से आपको करना है तो इसको थोड़ा सा आप हैवी कर सकते हैं जो कि मैंने थोड़ा सा हैवी करने की टोन में कोशिश की है बिकॉज ऑफ द ईद बाय द वे ईद के लिए मैंने किया है ट्यूटोरियल। सो हम इसमें थोड़ी सी एक्सेसरीज ऐड कर लेते हैं विच इज़ आज झुमका। आप लोग ये वो झुमके कुंदन के बाय द वे किसी भी आउटफिट के साथ पहनेंगे तो ये आपको आपकी लुक को एनहेंस कर देंगे यू लुक सो फ्रीकिंग गुड यू कैन सी द डिफरेंस। ये एक ऐसी एक्सेसरी है जो आपको आपका लुक कंप्लीट कर देती है। और अगर आपको ओवर द बोर्ड जाना है विच इज़ लाइक अगर आपको पार्टी में जाना है या ईद की किसी बहुत यू नो दावत में जाना है तो आप इसका नेक पीस भी यूज़ कर सकते हैं। इस झुमका आर माई ऑल टाइम फेवरेट और ये हर आउटफिट के साथ जाते हैं ट्रस्ट मी। सो ये हमारा ईद का लुक और हमारा पार्टी लुक और हमारा डिनर लुक कम्प्लीट होता है। आई होप यू गाइस एंजॉय बहुत ही अफोर्डेबल है ये कोई एक्सपेंसिव मेकअप नहीं है। मैं आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। ये मस्कारा जो कि यूके ब्रांड का है ये आई बॉट इट फॉर लाइक 700 rupees 650 और 700। दिस नोट दिस इज़ यू नो A1 दिस नोट फेस पाउडर जो कि जे डॉट का है वो मैंने 1300। दिस अलीजन ब्यूटी टिंट लिप एंड चीक टिंट दिस आई बॉट इट 800 एंड समथिंग एंड दिस गोज अ लॉन्ग वे ये बहुत ज़्यादा चलता है ये आपके सालों चलेगा आई बिलीव। सो नेक्स्ट इज़ आई हैव द मेबेलिन मूव दिस आई बॉट इट अगेन फॉर 1200-1300 और ये मैं एवरी डे इस्तेमाल करती हूँ और ये कोई साल होने वाला है मेरे पास एंड आई हैव दिस मच ऑल्सो ये जो मैंने बोनेंजा से अभी लिया है दिस इज़ आई बॉट इट ऑन सेल 700 rupees और ये भी आपके पास बहुत ज़्यादा चलने वाला है विच इज़ ऑल्सो नॉट ज़्यादा एक्सपेंसिव। ये नोट की वो पेंसिल है दिस आई बॉट इट 600-700 ऑन सेल एंड आई बिलीव मैंने एक पैक लिया था जिसमें फेस वॉश भी था वाइटमिन सी का डॉक्टर राशेल का जो कि मुझे 3-4000 का पड़ा था लेकिन ये बहुत लॉन्ग वे गया है एंड आई हैव दिस मच लेफ्ट इन इट स्टिल और ये कोई मुझे इस्तेमाल करते हुए 1.5 साल हो चुका है एंड
अभी भी इसमें बाकी है. सो ये भी इस लिहाज से इकोनॉमिकल है. बट नॉट द लीस्ट टू अप्लाई परफ्यूम बिकॉज इट्स ईद एंड एवरी डे ऑल्सो. सो आई बॉट इट फ्रॉम एथनिक. दिस इज़ कॉल्ड एथनिक आउटफिटर से मैंने ऑर्डर किया था और इसका नाम है स्केम एंड दिस इज़ सो फ्रीकिंग गुड. सो यू कैन यू नो अप्लाई इट. दिस इज़ लाइक मुझे सेल पे आई बिलीव 2100 का या फिर 2600. जब भी आप लोग मेकअप लेने के लिए जाएं तो मेकअप के लिए एक टिप है कि ये दिस इज़ अबाउट ऑल योर स्किन. आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी अगर आपने गलत मेकअप अप्लाई किया या ख़राब मेकअप इस्तेमाल किया. तो ऑथेंटिक ब्रांड का मेकअप लें. ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत महंगा मेकअप हो. अफोर्डेबल मेकअप हो सकता है, बहुत सस्ता मेकअप भी हो सकता है. बट और प्लस आपको आपकी पॉकेट पर बहुत हैवी ना पड़े, आप लोग उसको आराम से अफोर्ड करें, पॉकेट फ्रेंडली भी हो. सो दिस इज़ अ मेकअप बाइंग टिप फॉर यू गाइज. होप यू गाइज एंजॉय द व्लॉग. Give it a big, big, big thumbs up. Subscribe to my channel. Hit the bell icon and like and share as much as you can. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. मुझे देख के जब तुम यूँ ठंडी